अब हम बात करेंगे कि ये जो विस्तार हुआ मंत्रिमंडल का, नायब सिंह सैनी का, नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री बने, मनोहर लाल खट्टर साहब को एक नई जिम्मेदारी दे दी गई, उनको लोकसभा चुनाव में उतारा है करनाल सीट से। तो आज इसी करनाल सीट को लेकर मनोहर लाल खट्टर ने एक अपनी प्रचार प्रसार का बिगुल फूंक दिया है। उनके साथ जो मौजूदा मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी भी मौजूद थे, और करनाल में आज जो भीड़ जुटी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को वहाँ के प्रत्याशी के तौर पर, लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर नए सिरे से इंट्रोड्यूस करवाया गया, तो इसके सब के क्या मायने हैं? और जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस शंखनाद के माध्यम से क्या संदेश हरियाणा की जनता को देने जा रही है? और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब जो इस सीट से अब लोकसभा में अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, उसके मायने क्या हैं? ये समझा रही है हमारी बिग न्यूज़ बिग शो की ये दूसरी बड़ी रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी ने करनाल से लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। खरौंडा स्थित अनाज मंडी में विजय शंखनाद रैली का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल रोड शो करते हुए रैली स्थल पर पहुंचे। संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर तारीफ की। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मनोहर लाल ही उन्हें राजनीति में लेकर आए थे। मुझे यह भी मालूम नहीं था कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, और वो बनाने वाला भी कोई और नहीं है, वो ऐसा संत, ऐसा व्यक्तित्व, वो आपके बीच में बैठा है, ऐसे आदरणीय, परम आदरणीय मनोहर लाल जी। मेरा समाज कैसे आगे बढ़े, मेरा प्रदेश कैसे आगे बढ़े, दिन रात इन्होंने एक एक क्षण इस हरियाणा प्रदेश के लिए लगाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने यह दावा किया कि हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। आज यहां से ये विजय का शंखनाद भी है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि हमने हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की सीटें जो पिछले 2019 के अंदर जिस बहुमत से हमने जीती हैं, उसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर बूथ के ऊपर 370 वोटें जोड़ करके 10 की 10 लोकसभा के कमल के फूल खिला करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। और भाइयों, उसके अंदर हम सब ने लगना है, मजबूती से लगना है, और मजबूती से लगते हुए भाइयों हमने नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसके लिए हम सब ने काम करना है। पूर्व सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने सीएम पद से अचानक इस्तीफा नहीं दिया था, हाई कमान से एक साल तक बातचीत की थी। सुनिए जरा। क्या इस काम को करने में मुझे कोई अचानक घटनाक्रम हुआ, ऐसा नहीं है। मुझे नेताओं को एक साल में लगा हुआ था पीछे उनके कि सही समय है, आप कोई ना कोई विकल्प करके और कोई निर्णय करके और एक नया कोई ऐसा चेहरा लेकर के आइए जिससे हरियाणा की जनता को भी प्रसन्नता हो, पार्टी में भी प्रसन्नता आए और मुझे भी प्रसन्न हो, मुझे भी प्रसन्नता हो। तो भाइयों बहनों, वो दिन था और पिछले 12 तारीख को वो इच्छा पूरी हुई और हरियाणा के पूरे विधायक दल ने सर्वसम्मति से ये बात तय की कि हमारे वर्तमान कुरुक्षेत्र के सांसद श्री नायब सिंह जी सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे, ये निर्णय 12 मार्च को हमने किया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस में परिवारवाद भरा हुआ है, कांग्रेस में कई तरह के खेमे बने हुए हैं, नए नए कार्यक्रम प्रयोग किए हैं,
विपक्ष के लोगों ने उनकी आलोचना की और मैंने एक बात एक अपील भी की उन विपक्ष के लोगों से कि जो आप आलोचना आज कर रहे हैं, चाहे वो पोर्टल की कर रहे हैं, चाहे परिवार पहचान पत्र की कर रहे हैं, चाहे आप प्रॉपर्टी आईडी की कर रहे हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा की कर रहे हैं, मेरा पानी मेरी विरासत की कर रहे हैं, कितनी स्कीमें हम आएंगे तो खत्म कर देंगे। मैंने कहा देखिए मैं अपील करता हूं इस बात को आप जारी रखना, चुनाव तक जारी रखना कि हम खत्म कर देंगे। और इनका लाभ जिस जनता को हुआ है, जब जनता को लगेगा कि जिस पोर्टल का जिस ऑनलाइन सिस्टम का हमको लाभ मिला उसको कांग्रेस आके खत्म कर देगी, तो निश्चित रूप से जनता उस कांग्रेस को खत्म कर देगी जिस लाभ के लिए वंचित करे। काबिले गौर है कि करनाल लोकसभा सीट मनोहर लाल के उम्मीदवार बनने के बाद काफी अहम हो गई है। मनोहर लाल करनाल हल्के से विधायक भी रहे हैं, उन्होंने अब ये सीट मुख्यमंत्री नायब सैनी के लिए छोड़ दी है। ऐसे में करनाल से विजय शंखनाद रैली काफी अहम रही। सूर्य समाचार के लिए करनाल से हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।